आज के दिन हमें बहुत सारा चीज़ समझना है, बहुत सारा चीज़ सीखना है। हर एक दिन हम एक दिन पीवीसी मेटा में बहुत सारा चीज़ सीखना ही है, क्योंकि ब्लॉकचेन एक समुद्र है। कितना भी सीखेंगे ये खत्म नहीं होएगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है पीवीसी मेटा में अब ब्लॉकचेन ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपको जानते हैं, आप जानते हैं तो पीवीसी मेटा बहुत अच्छी तरह कर सकता है। पूरा जाके वो ट्रेडिंग और इसका टेक्निक, उसका क्या है, उसका लाइन से सब जान के, पूरा टेक्निक जान के, वो सब क्या है, वो ट्रेडिंग टेक्निक्स जान के, वो सब सीख के, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये ज़रूरत है कि हम बेसिक, आप बेसिक समझें, दैट इज फिनांस, BST खरीदना और क्या है, BST खरीदना और BSE स्कैन देखना और कॉइन मार्केट कैप देखना और ट्रस्ट वैलेट कैसा बनाना है देखना, उसका सीक्रेट्स, उसका सिक्योरिटी, उसका अच्छाई सब कुछ सीखना, यही करना है। और ये सब करने के बाद फार्मिंग क्या है और सीड फंडिंग क्या है और एग्जैक्ट स्टेकिंग क्या है, तो फिनांस में सब देखेंगे तो उधर एग्जैक्ट स्टेकिंग आप देखेंगे, इतना परसेंटेज, इतना APY ये सब देंगे, वो एग्जैक्ट स्टेकिंग क्या है। हमारा स्टेकिंग नहीं है, हमारा सीड फंडिंग है, ICO है, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग है, और ये बेसिक चीज़ और फार्मिंग बोल के हम क्या कर रहे हैं, वो बीज का क्या हो रहा है, ये सारा चीज़ आप समझ लें। ब्लॉकचेन का इतना ही काफ़ी है, अभी इतना ही काफ़ी है, और आगे सीख के और आगे जाएंगे ना, बहुत बड़ा चीज़ करेंगे ना उस टाइम पे। अब स्टेप बाई स्टेप ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारा डेप्थ में जा सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आपको कोई ऐसा बोलते हैं कि हम डेप्थ में सिखाएगा, आ जाओ बोल के आपको घसीट के, एक और चीज़ हो रहा है अभी मार्केट में, ख्याल रखें, PVC मेटा में हो रहा है, मैं आपको ब्लॉकचेन सिखा रहा हूँ, ये सिखा रहा हूँ, वो सिखा रहा हूँ बोल के बुला रहे हैं लोग, और वो लोग कुछ और कर रहे हैं और इसका बिजनेस भी कर रहे हैं, ये टीचिंग का बिजनेस कर रहे हैं, और उस बिजनेस में आपके घसीटेगा, टेलीग्राम में सब आके बात करेगा, अच्छा आदमी जैसा बात करेगा, सोशल वर्कर जैसा बात करेगा, हमारा ट्राई कर रहे हैं बहुत सारे लोग सोशल वर्कर होने का, बहुत अच्छा है, तुम ऐसे ही निस्वार्थ रहो, बहुत अच्छा है, निस्वार्थ में मुझसे कंपटीशन करो, बहुत अच्छा है, आप भी निस्वार्थ हो जाओ, बहुत अच्छा है, हम भी आपके साथ होएंगे, हमारे ऊपर होएंगे तो भी हम आपको सलाम करेंगे और आपको उठाएंगे, एग्जैक्ट निस्वार्थ है तो। लेकिन ड्रामा मत करो, निस्वार्थ जैसा ड्रामा करके लोगों को घसीट के तुम्हारा सेशन में लेके आके, तुम्हारा जो टेक्निकल सिखा रहे हो उसमें खड़ा करके, उसमें फीस लेके और उसमें कुछ इनकम लेके, और दूसरा ट्रेडिंग ये वो में डाइवर्ट करवा के ये सब करते हो ना, वो बंद कर देना, निस्वार्थ है तो वो बंद कर देना, सिर्फ सिखाते हैं तो सिर्फ PVC मेटा सिखाओ, अभी वही ज़रूरी है। तुम्हारा बड़ा बड़ा ब्लॉकचेन, बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी, बड़ा बड़ा सीक्रेट ये नहीं चाहिए हमें, ये आप लोग बोलना है, आप लोग बहुत ख्याल से ये हैंडल करना है, ऐसे वाले चाल में जाके नहीं पढ़ना, इसलिए हम ब्लॉकचेन में बहुत सारा सीक्रेट नहीं बताते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। मेटावर्स क्या है वो सीख लें, क्योंकि मेटावर्स के अंदर हम जा रहे हैं तो आपका प्रमोशन के लिए भी बहुत यूजफुल होएगा, बिजनेस प्रमोशन के लिए, और कॉइन मार्केट पैक सीख लें, उसको दिखाइए, वो बिजनेस प्रमोशन के लिए चाहिए हमारा PVC मेटा का। उसके बाद PVC मेटा का इंटरफेस सीख लें, उसके अंदर के सारे चीज़ सीख लें, ये सब ठीक है, लेकिन ब्लॉकचेन में आके ये ट्रेडिंग सिखा के, ये ट्रेंड ऐसा होता है, वो ट्रेंड ऐसा होता है, उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ताश खेलना जैसा है, आपको बहुत सारा इंटरेस्ट देके, आपको घसीट के
आपको अटिक बना देगा। ये सब देखें, मुझे क्यों पीवीसी मेटा इतना अट्रैक्ट हुआ, मुझे क्यों हुआ मालूम है, हमें जो सिर्फ इसलिए अट्रैक्ट हुआ कि सारा ये ताश खेलने जैसा ट्रेडिंग ये सब देखा है मैंने। 5 साल में हम स्टडी किए, हम वर्क किए, हमारा मैडम इधर पूरा के पूरा अंदर जाके ट्रेडिंग से सब कुछ सीखे, सब कुछ देखे हैं। और 10 साल ब्लॉकचेन रिसर्च में हम देखे हैं कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, कौन सा बुरा है, ये प्रोजेक्ट बोल के आके लोग कैसे पैसा इकट्ठा करते हैं और जाते हैं। आपको बोलेगा BUSD में इतना बना के देगा, आप ज्वाइन करो, इतना पैसा डालो, उतना पैसा डालो, आपको फिर ये मल्टीप्लाई होएगा, बड़ा होएगा, ये सब बोलेंगे। ये सब भी देखे हैं हमने, लेकिन पीवीसी मेटा क्यों अट्रैक्ट हुआ मुझे, ये सब के सब चीज कवर कर दिया। किधर भी हमें जाने की जरूरत नहीं, ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है, ब्लॉकचेन के अंदर घुस के इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, एक एक प्रोजेक्ट स्टडी करने का जरूरत नहीं है, एपीआई सीखने का जरूरत नहीं है, इम्परमानेंट लॉस सीखने की जरूरत नहीं है। इम्परमानेंट लॉस अवॉइड करने के लिए कौन सा करेंसी, क्या पेयरिंग डालना है, वो डालना है, ये सब फिर आएगा जब पीवीसी मेटा फुल स्विंग में जाएगा ना, एक्सचेंज में जाएगा, डेक्स आएगा, उस टाइम पे आपको इम्परमानेंट लॉस सब सीखना है, वो तो सही है, अभी नहीं चाहिए। तो इतना सारा ना करके आपको बैठे बैठे आपको इनकम आने का एक अच्छा रास्ता, अच्छा प्लानिंग, अच्छा डिजाइनिंग करके आपको दिया है, फिर क्यों उसको आप कॉम्प्लिकेट करते हैं, क्यों कॉम्प्लिकेट करते हैं, क्यों सिंपल सा चीज को कॉम्प्लिकेट करते हैं आप देख लें, किधर भी हम सीखना शुरू किए हैं हम ब्लॉकचेन को बड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं किया, सीधा सीधा मेटावर्स में लेके जाके पूरा पिक्चर दे दिया, यही करता था, हमारा ज्ञान नहीं दिखाता था, हमें बहुत ज्ञान है ब्लॉकचेन के बारे में, सब लोग सुनो, ऐसा बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अभी छोटा सा समझ के बड़ा दिखा रहे हैं। आपको मालूम है गूगल में सब कुछ मिलता है, यूट्यूब में मिलता है, सब कुछ मिलता है, उधर से देख के इधर वॉमिट कर सकता है, लेकिन आपको निस्वार्थ है, निस्वार्थ चिंता है, तो आप लोगों को भलाई के लिए क्या सीखना है वो सीखे। अभी पीवीसी मेटा में सिखाइए, बस उसका बेसिक सिखाइए, उसको समझाइए कैसा पैसा आता है, ये MLM नहीं है, नेटवर्क नहीं है, ये सिखाना बहुत जरूरी है, सिर्फ इतना ही करें। उतना ही मैं इंट्रोडक्शन में बोलना चाहता हूं। तो अभी आप ऐसे ही करके आगे जाएंगे, मैं बोलता हूँ परफेक्ट परफेक्ट हो जाएंगे, अब पक्का हो जाएंगे, बड़े चीज सीखेंगे, बड़े पैसा कमाएंगे और आगे जाएंगे, बहुत पॉजिटिव रहेंगे। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे ना आपको बहुत सारा मुश्किल होएगा, कॉम्प्लिकेट मत करें, सिंपल सा रखें। और इम्पॉर्टेंट ये ड्यूप्लिकेटेबल रखें, ये बहुत जरूरी है, ड्यूप्लिकेटेबल, डुप्लीकेट करने की आसानी करना आपका जरूरी है, क्योंकि जो अनपढ़ है, जो भी नहीं पढ़ा है, वो भी ये करने के लिए आसानी से आप प्लान करना है, इसलिए मैं 100 BUSD का प्लान बोलता हूं। ये बोलते ही बहुत गुस्सा आता है बहुत सारे लोगों को, लोग बोलते हैं हमारा बिजनेस खत्म हो गया, आप हमें नष्ट कर दिया, आप पे समाप्त कर दिया, आप हमें प्रॉब्लम दे रहे हैं, आप लोगों को नेगेटिव बना रहे हैं और लोगों को काम नहीं करने देते हैं, आप हमें सत्यानाश कर दिया, ऐसे बोलने वाले हैं, ऐसे बोलने वाले के जगह में नहीं आएगा बोल दिया। अगर आप ऐसा सोचता है मैं नहीं आएगा, कितने महीने भी इधर आता है, अगर आप ऐसा सोच लिया उसके बाद मैं नहीं आता, आप बहुत महीने से सुन रहे थे, सब कुछ सीख रहे थे, सब कुछ ठीक है, सब कुछ होने के बाद आप बोलते हैं ये हमें नुकसान पहुंचाते हैं तो हम नहीं आएंगे, तो वो नहीं गए, वो नहीं गए तो उधर नहीं जाते, समझे ना, हमें नाम कमाने की बात नहीं है, और क्या है बहुत सारा टेलीग्राम में जाके बात करके फेमस होने की आदत नहीं है,
मुझे ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है मन पे। कैसे भी बहुत सारा टेलीग्राम में जाके बात करेंगे मैं फेमस हो जाऊं। 22 साल हम फेमस होने के लिए नहीं देगा। अभी सर ने बताया कि पलवन में मैं नहीं दिखाता था, मैं कभी बाहर नहीं आता। अभी 22 साल में हम वेल्स अकेडमी माइंड रिन्यूअल किए हैं, बाहर नहीं आए। 20 साल रिसर्च करके बैठे। आपको मालूम है रिसर्च करते टाइम परमात्मा का पहला इंस्ट्रक्शन क्या था? होली आया, कभी भी फेमस बनने के मत सोचो, कभी भी पैसे के पीछे मत जाओ, कभी भी। तुम्हें कभी उठाना है मैं उठाएगा, कभी पैसा देना है मैं देगा। तुम सिर्फ मेरा काम करो, तुम्हारा नाम कमाने का बात नहीं करो। ये आदत है हमारा, ये टीचिंग है हमारा, परमात्मा से टीचिंग है, इसलिए उसके पीछे मैं कभी नहीं जाता, कभी नहीं जाता। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, जो कॉम्प्लिकेट करते हैं उनके पीछे मत जाइए, जो पैसा ज़्यादा कमाने की बात बोलते हैं उनके पीछे मत जाइए। जो आपको स्टेप बाय स्टेप सीख के आगे लेके जाते हैं, 100 DP से आपको 1000 DP, 5000 DP में लेके जाते हैं ना, हम नहीं बोलते हैं 500 नहीं चाहिए, हम नहीं बोलते हैं 1000 नहीं चाहिए, हम नहीं बोलते हैं 5000 नहीं चाहिए, हम नहीं बोलते हैं 5 criteria मत जाओ, हम नहीं बोलते हैं ये कभी भी क्राइटेरिया सब मत करो, सब में ऐसे ही बैठे रहो, ऐसा नहीं बोलते हम। लोग नहीं समझते हैं इसको। आप शुरुआत सौ में करो और सबको शुरुआत सौ में करो, बहुत सारे लोग आएंगे। नहीं तो ये नेटवर्किंग एमएलएम लोग है ना, जो पैसा कमा 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 के नीचे वालों को यूज करके कमा के बड़ा हो जाते हैं। यही नेटवर्किंग है। हम 20 साल रिसर्च किए, उसके भी हमने देखे लीडर्स वही होते हैं जो सब इकट्ठा करके भाग जाते हैं और दूसरा सिस्टम चला जाता है। इसका भी नहीं, वो प्रमोट नहीं करना आप। इसलिए बड़ा अमाउंट के पीछे मत जाइए, लेकिन छोटे से बड़ा होना सीखें। शुरुआत छोटा होता है और फिर बड़ा होते हैं, वो सीखें, वो बहुत जरूरी है। आप देखें, जब भी पहाड़ के ऊपर से पानी निकलता है ना, फ्लो के आता है उधर से, उधर कुछ ये होते हैं पूल्स होते हैं, ऐसा कुछ होता है, और उधर से सीधा सीधा वाटरफॉल्स जैसा वो आता है, उसके बाद वो नदी बनता है, उसके बाद बड़ा नदी बनता है, उसके बाद यमुना नदी जैसा, गंगा नदी जैसा बन जाता है, और उसके बाद समुद्र में जाके मिलता है, वो समुद्र बन जाता है। समझते हैं ना, ये टेक्नोलॉजी फॉलो करना है, आप ये सिस्टम फॉलो करना है। शुरुआत से उधर से पानी आना जैसा शुरू करना है, फिर लोगों को सिखाना है, लोगों को बढ़ाना है। और जिसमें पैसा कमाएंगे ना, वो बहुत समाधान का पैसा होता है, वो बहुत संतुष्ट पैसा होता है। ये नहीं 5000 वाले को जाके पकड़े और उनको एक ग्रुप बनाए और बोल दे मैं सबको लीडर बना दिया, सबको पैसा वाला बना दिया। नहीं बनाया आपने, मैं गारंटी मैं आपको लिख के देता हूं, कोई नेटवर्क वाला जो छोटे से छोटा आदमी है उसको सारे के छोटे छोटे जो लोग था सब लोगों को ऊपर उठाया, ऐसा बोलने वाला एक आदमी को दिखाइए। सब लोग भिखारी थे, सब लोग पैसा ना रखते थे, किसी के पास भी पैसा नहीं था, मैंने सब लोगों को ऐसा ही उठा के लेके आया और सब लोगों को करोड़पति बना दिया। बताओ एक आदमी को, नहीं बता सकते। ये लोग बोलते हैं हमारे टीम में बहुत सारे लोग कमा लिया, बहुत सारा पैसा है, लेकिन आप ऐसे लोगों को चुना है जो पैसा डाल सकता है और बहुत सारा पैसा डालने वाले को लेके आ सकता है। इसलिए आप इमीडिएट बोलता है मैं इतना हो गया और मेरे पास इतना टीम है और सब लोग पैसा कमा रहे हैं, बस सब लोग क्राइटेरिया में आ गए हैं, ये सब मेरा मेहनत है। नहीं, आपको कब तारीफ मिलेगा ना, जब 100 साल में शुरू, 100 DP में, 100 BST में शुरू करके ऐसा बड़ा बड़ा के उस आदमी को 5 criteria खत्म करने वाला आदमी जैसा बना दिया, और उसके नीचे ऐसे ही 100 लेके आने वाले बहुत सारे लोग आए और सब लोग ऊपर उठे, तो आप
पक्का नेटवर्कर है, पक्का पक्का नेटवर्कर है, परफेक्ट आदमी है, समाज के लिए अच्छा आदमी है, नहीं तो पैसा वाला बनता है। ये मुझे बहुत बहुत क्लियर बताना है आपको, ये बहुत जरूरी भी है। ये है मेरा बात मेरी तरफ से आज के दिन, आप प्लीज इसको फॉलो करें। I know you told your friend you're not okay.